हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। अभी हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड कैंडल के बारे में, और अभी तक अगर आपने पहली वाली के बारे में नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले आप जाके उसको देख लीजिए। हमने बात करी यहाँ पे बुली सिंगल फिंग की हो गई है, बियरी सिंगल फिंग कैंडल के बारे में बात हो रही है, और बियर सिंगल फिंग कैंडल को किस तरीके से ट्रेड करते हैं, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, ये सारे पॉइंट यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। आप ईजिली उसको समझिए और ट्रेड करिए। देखिए, अगर आप स्टार्टिंग देखिए, दो लेबल्स मैं आपको अगले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बोला था, ट्रेडिंग करने के दो पॉइंट होते हैं और दो लेबल होते हैं। दोनों लेबल में आप ध्यान दीजिए, फर्स्ट पॉइंट के फर्स्ट वो पर्सन होते हैं जिन्होंने प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया है, वो अपने रिस्क को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में हो और बिगिनर लेवल पर हो तो आपको रिस्क बढ़ाना नहीं चाहिए, ठीक है। जो आपको पॉइंट बताए जा रहे हैं, जिस तरीके से बताए जा रहे हैं, आप उसी तरीके से ट्रेड करिए और कोशिश करिए कि कोई एक ही मेंटर को फॉलो करिए। अब मैं आपको यहाँ पे जैसे स्टार्ट किया आपको बताना, तो सारे पॉइंट बताऊंगा और एकदम बेसिक्स बताऊंगा आराम से। आप उसमें भी सारे के सारे नहीं करिए, एक या दो पॉइंट को पकड़ के कम 100 ट्रेड, किसी भी एक पे कम से कम 100 ट्रेड करने की कोशिश करिए तो सही। 100 ट्रेड आपके होने ही चाहिए। अगर आपके 100 ट्रेड होंगे तो आपको जाके समझ में आएगा, और वो 100 ट्रेड को लिखिए, जर्नल बनाइए। अगर आप लिखते नहीं है ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा ट्रेड आपके लिए काम कर रहा है, कौन सा ट्रेड आपके लिए काम नहीं कर रहा है, कौन सा पॉइंट आपका सही है, कौन सा पॉइंट आपका सही नहीं है, ठीक है, किस में आपको प्रॉफिट हुआ, किस में लॉस हुआ। ये सारी चीज़ें अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको काम नहीं आने वाला है, ठीक है। तो मैं ये जो कैंडल्स आपको बता रहा हूँ, ये कैंडल्स में हम कब मार्केट में ट्रेड करेंगे कब नहीं करेंगे, जो हमारा बेसिक पॉइंट बन रहा है उस पर अगर ट्रेड बनता है तो भी उसकी पूरी लिस्ट मैं आपको, पूरे महीने की लिस्ट आपको दूंगा। हर डे का मैं एंड में जो भी मैं आपको पॉइंट है, जो भी आपको सेटअप बताने वाला हूँ, सभी सेटअप्स पे आज मार्केट में बनाया नहीं बनाया वो सारी अपडेट आपको मिलते रहेंगे। सो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो एंड मोर फॉर न्यू अपडेट्स, ठीक है दोस्तों। तो अभी आते हैं, हम बात करते हैं बियरिश एंगल्फिंग कैंडल के बारे में। बियरिश एंगल्फिंग कैंडल होती क्या है वो देख लीजिए। पहले तो बियरिश एंगल्फिंग कैंडल ऐसे कैंडल्स को बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए अब ये सारी, ठीक है, ग्रीन कैंडल्स हैं, ये अप साइड में ऐसे जा रही हैं, ठीक है, ये ऐसे अप साइड में ये अगर जा रही हैं, ठीक है, तो अब इसके बाद हम इसको ट्रेड किस तरीके से करेंगे, ये समझ के रखिए कि जब इस कैंडल में ऐसे देखिए, इसमें एकाध दो कैंडल ऐसा भी हो सकता है कि वो रेड बन जाए, जैसे ये रेड बन गए मान लीजिए ऐसे, ठीक है, एकाध दो कैंडल रेड बनेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है कैंडल में, ठीक है। बट मार्केट के मेजर ट्रेंड क्या होने चाहिए, अपसाइड के होने चाहिए। जैसे मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अब देखिए ये वाली जो कैंडल होगी ना वो ग्रीन होनी चाहिए फर्स्ट, ये समझिए इसका इंपॉर्टेंस है। ये वाली ट्रेंड कैंडल जो होनी चाहिए वो ग्रीन होनी चाहिए, और सेकंड जो कैंडल होनी चाहिए वो रेड होनी चाहिए। लेकिन रेड में भी वो कितनी रेड होनी चाहिए, वो रेड इतनी होनी चाहिए कि जो ये ग्रीन वाली कैंडल है इस पूरी कैंडल को वो क्या कर ले, कवर कर ले, तभी आपकी वो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनेगी। ध्यान इस बात पर ज़रूर दीजिएगा। अब जैसे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर जो हुआ उसमें आपको ऐसा क्या दिख रहा है कि अब ये कैंडल जो है पूरी तरीके से कवर हो चुकी है इसकी बॉडी के भी अंदर, और ये पूरी की पूरी कैंडल जो है वो इसके अंदर क्या है, बंद है, ठीक है। तो इसमें पहला काम क्या होना चाहिए, मेजर ट्रेंड जो है वो ट्रेंड क्या होना चाहिए, ट्रेंड अपसाइड का होना चाहिए, ठीक है, मार्केट आज के डे में ये अपसाइड में होना चाहिए। सेकेंड, टाइम फ्रेम 5 मिनट में आप देखिएगा इसको, 5 मिनट 15 मिनट में भी बने तो और अच्छी बात है, ठीक है। और थर्ड क्या है, इसमें जो है ना आप 9 कैंडल अपसाइड में देखिए, ठीक है। हम अभी बात कर रहे हैं स्टॉक्स के बारे में, इंडेक्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्टॉक्स के बारे में, ठीक है। स्टॉक में किस तरीके से इसको ट्रेड करेंगे, 9 कैंडल जो है वो अपसाइड में होना चाहिए जिस तरीके से ये है, और उसके साथ में 1.5% का मूव भी होना चाहिए अपसाइड में। ये दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, उसके बाद ही आप एंट्री करेंगे, नहीं तो एंट्री नहीं करेंगे। ये ध्यान से समझ जाइए, ट्रेंड अप होना चाहिए, ट्रेंड अप, और वो देखिए अब अगर ये चीज़ें अब ट्रेंड अप होगा तो इसमें जो होगा ना, ये पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कि ये एक पॉइंट बन रहा है आपका, ठीक है, ये कोई रेजिस्टेंस पॉइंट बन जाए, ठीक है,
रेजिस्टेंस पॉइंट पे बने तो ये और ज़बरदस्त तरीके से काम करेगी, और मस्त तरीके से काम करेगी अगर ये रेजिस्टेंस पे कहीं पे बनती है तो। तो आपको क्या ध्यान देना है, पहले उसके सिंपल रूल समझिए, ट्रेंड अप होना चाहिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको चेक करना है, कम से कम 9 कैंडल जो होनी चाहिए वो अपसाइड में होनी चाहिए, और 1.5% का मूव प्राइज़ में भाई, ये प्राइज़ में मूव होना चाहिए, ठीक है, ये प्राइज़ में मूव होना चाहिए 1.5% का। तब हम क्या करेंगे, तब अगर ऐसे कोई कैंडल बनती है तो उसको बोलते हैं बियरिश इंगल्फिंग, और हम वहाँ पे ट्रेड करेंगे। करेंगे किस तरीके से, अब देखिए हमारे ये इसका लो है और ये पॉइंट जो बनता है इससे इसके बीच का डिफरेंस अगर बहुत कम है तो हम कोशिश करेंगे कि ये इसको ब्रेक करे तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, ठीक है। अगर इसका और इसका डिफरेंस मान लीजिए कोई यहाँ पे होता, ज़्यादा डिफरेंस होता, तो हम इसी के हाई पर एंट्री ले लेते हैं। एंट्री के भी पॉइंट समझिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि ये कहीं इसके अंदर में होती तो भी हम क्या करते, इसी के हाई पे एंट्री लेते। तीन एंट्री हैं, तीनों एंट्री समझिए। पहली क्या है, अगर प्रीवियस कैंडल जो है वो इससे ज़्यादा दूर नहीं है तो हम इसके ब्रेक करने का वेट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा दूर है तो हम इसके हाई पर ही एंट्री ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो इसका इसके लो पे हम एंट्री ले लेंगे, ये लो होता है उसका, ठीक है। और ये जो है उसका सबसे हाई पॉइंट, वही उसका सबसे हाई पॉइंट होना चाहिए, इस ट्रेंड का सबसे हाई पॉइंट यही होना चाहिए, और वही हमारा क्या होगा, SL। SL को आप स्ट्रिक्ट फॉलो करिए। और आपको एंट्री के और दो पॉइंट हैं, पहला तो मैंने आपको बता दिया कि प्रीवियस कैंडल के ऊपर अगर, लेकिन ज़्यादा दूर ना रहे तो, अगर ज़्यादा दूर रहे तो आप उसी कैंडल के बाद में नीचे जो भी ब्रेक करेगा वो साइड में आप ट्रेड ले सकते हो। लेकिन इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है, ट्रेड लेना कब नहीं है, फॉरगेट कब करना है ट्रेड को, ठीक है। अभी हम उसके टारगेट के बारे में भी बात करते हैं, देखिए टारगेट क्या हुआ है, जैसे मान लीजिए कि इसका SL ये है और ये मान लीजिए एंट्री हमारी हुई है 700 पर, और ये जो इसका हाई था वो है 695 का, ठीक, ऐसा मान लीजिए किसी भी स्टॉक्स में ऐसा है, तो ये 5 रुपये का डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस का 1.5 टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद 2.5 टाइम भी हम लेके जाएंगे, लेकिन पहले आप 100 ट्रेड 1.5 टाइम का बुक करिए, सिंपल पहले बुक करिए। तो अब 5 का कितना हो जाएगा, 7, 7.5, 7 रुपये, 7.5 रुपये जो ही आपको प्रॉफिट हो आप उससे एग्जिट मारिए। फिर दूसरे किसी स्टॉक्स में सेम चीज़ को ढूंढिए, ठीक है। किस तरीके से ढूंढना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ये तो आपको पॉइंट पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब कब हमको ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड कब नहीं करना है वो देखिए, अगर आपको 3 कैंडल, ठीक है, 3 कैंडल एंट्री ना दे, ठीक है, एंट्री ना दे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक कैंडल बन गई, ठीक है, फिर एक कैंडल और यहाँ पे बन गई, ठीक है, और फिर एक कैंडल ऐसे हो गई, ये इसके नीचे आई ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, तब हम उसमें एंट्री नहीं लेंगे, पहला पॉइंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ऐसा है कि मान लीजिए, दूसरा पॉइंट ये है कि उसके जो हमारा हाई पॉइंट है, हाई को ब्रेक, हाई अगर ब्रेक हो जाए, ब्रेक करने के बाद हमको अगर एंट्री देगा तो हम नहीं लेंगे, ठीक है, ये ट्रेड नहीं लेना है। जैसे मान लीजिए कि कैंडल यहाँ पे बन गई और दूसरी कैंडल जो बनी वो ऐसे वीक देके ऐसे बन के आई है और फिर तीसरी कैंडल हमको एंट्री दे रही है, तो भी हम ट्रेड में एंटर नहीं होंगे, क्योंकि उसका देखिए SL जो हमने बनाया था वो तो पहले से एक बार ब्रेक हो गया, अब दोबारा क्या होगा क्या नहीं होगा उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, तो ऐसे काम हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना है और आपको ये फॉलो करनी है कि ट्रेंड आपको 5 कैंडल होनी चाहिए। अब देखिए चलिए एक बार हम, अब समझ में आए इतना, इतने पॉइंट्स को आपको ध्यान रखनी है, ये दो पॉइंट बने तो आपको एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा। पहला हमारा पॉइंट था कि मार्केट का ट्रेंड क्या होना चाहिए, अब दूसरा क्या था, टाइम फ्रेम 5 मिनट, तीसरा कैंडल 9 होनी चाहिए और 1.5% का प्राइस में मूव होना चाहिए, ठीक है, तब हम लोग उसमें एंट्री लेंगे, उसके लो पॉइंट को नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तब, और टारगेट हमारा 1.5 टाइम रहेगा, वो भी एंट्री और SL का जो अंतर रहेगा, डिफरेंस रहेगा 5 रुपये 10 रुपये जो भी रहेगा उसके अंतर पे ही लेंगे, ठीक है। और अगर ये सेम चीज़ अगर किसी रेजिस्टेंस पे, ज़बरदस्त वर्क कब होगा, अगर ये कभी रेजिस्टेंस पे बन जाए, किसी रेजिस्टेंस पे अगर बन गई, है ना, अगर किसी रेजिस्टेंस पे बन गई तो ये बहुत अच्छा काम करेगी,
ठीक है, तो आपको ये चीज़ ढूंढनी है। चलिए अभी हम चार्ट में बात करेंगे, चार्ट में दिखाते हैं, ठीक है।